देवा मेला में हुआ हंगामा, लड़कियों को देखकर भड़की भीड़, चिंकी मिंकी के पहुंचते ही शुरू हुई भिड़ंत, मेले में फैली अफरा तफरी, पब्लिक ने तोड़ डाली कुर्सियां। बाराबंकी में चल रहे सालाना मेले में अचानक माहौल खराब हो गया। कार्यक्रम के दौरान नाराज दर्शकों ने कई कुर्सियों को तोड़ दिया, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये सब कुछ कॉमेडियन चिंकी मिंकी की वजह से हुआ है, जिनके आने से पब्लिक भड़क गई। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये टूटी हुई कुर्सियां, भागती हुई पब्लिक, ये सारी तस्वीरें बाराबंकी के देवा मेले की है, जहां हाजी वारिस पार्क का सालाना उर्स चल रहा है। इस मौके पर मुंबई की मशहूर कॉमेडियन चिंकी और मिंकी स्टेज शो करने पहुंची थी। ऐसा आरोप है कि चिंकी मिंकी अपने तय वक्त से करीब 2 घंटा लेट पहुंची थी। चिंकी मिंकी के 2 घंटा लेट पहुंचने से पब्लिक खासा नाराज हुई, लेकिन जैसे ही चिंकी मिंकी ने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो उन्हें देखकर कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा शुरू कर दिया और कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। भारी भीड़ के बीच हुई इस हरकत से अचानक माहौल खराब हो गया और ऑडियंस में सबसे पीछे की तरफ बैठे हुए लोगों में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। भीड़ में भगदड़ मचते ही अफरा तफरी फैल गई। यह सब देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आयरन फानन में मौके पर पहुंची फोर्स ने मोर्चा संभाला और अराजक भीड़ को खदेड़ दिया, जिसके बाद चिंकी विंकी ने अपना कार्यक्रम पूरा किया और पब्लिक को खूब गुदगुदाया। वहीं पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है ये महज एक अफवाह थी, हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया है। जनपद बाराबंकी के देवा मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उत्साही युवकों द्वारा कुर्सियों पर चढ़ के नाच का आनंद लिया जा रहा था, जिसके कारण कुछ कुर्सियां टूट गई और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थितियों को तुरंत नियंत्रण में लिया और वहाँ किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलने से बचाया। पुलिस बल की मौजूदगी के चलते सभी कार्यक्रम रात में 1 बजे तक सकुशल चलते रहे। वहाँ पर अव्यवस्था या कानून व्यवस्था भंग होने या सौदों द्वारा उपद्रव किए जाने संबंधी जो भी खबरें फैलाई जा रही, सब भ्रामक हैं, सब असत्य हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहाँ लगाया गया है। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस ने इन सारी हरकतों का असर मेले पर नहीं पड़ने दिया, लेकिन वहाँ उपद्रव कर रहे लोगों को ये भी समझना होगा कि अगर कोई मेहमान हजारों किलोमीटर से आपके लिए कार्यक्रम करने आ रहा है तो उसके लेट पहुँचने पर इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल भी जायज नहीं, क्योंकि उनकी इस हरकतों से हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अंकित मिश्रा ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।